सो वेलकम अवर वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकल रियल एस्टेट मार्केटिंग के आइडियाज़ के बारे में, कि आप लोकली रियल एस्टेट किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं और फ्री में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हम अपने माइंड मैप के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा होस्ट फ्री सेमिनार फॉर होम बायर्स। जैसे कि आप एक लोकल मीटअप कर सकते हो या फिर एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो, जिसकी अंदर आपको जो कुछ भी बायर्स है वहाँ के लेने वाले, तो वो वाले लोगों को आप अपने इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो वो वाले लोकल एरिया के अंदर लोकल वर्कशॉप या फिर मतलब कि एक सेमिनार क्रिएट कर सकते हो, जहाँ से आपको एक लीड मिल सकती है और प्रोस्पेक्ट बायर भी आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा पार्टनर विथ लोकल बिजनेसेस। जैसे कि मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था कि आपको लोकल बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करनी है, जैसे कि लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंट हो गया, कोई ऐसा परफॉर्म लॉयर्स ऐसे कोई ट्रैवल एजेंसी ओनर्स हो गए, तो उसके साथ आपको टाई अप करना होगा या फिर पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, जिसकी मदद से आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लीड्स मिल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको जो लोकल बिजनेसेस ओनर है वो उसके साथ टाई अप करना चाहिए और उसके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिकम अ कॉलमनिस्ट इन अ लोकल मैगजीन। जो आपकी लोकल मैगजीन होगी या फिर न्यूज़पेपर है, तो उसके इसके अंदर आप अपनी एडवर्टाइज रन कर सकते हो और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पर लिस्ट करवा सकते हैं। जो भी जो लोग प्रॉपर्टी की है मतलब कि जो प्रॉपर्टीज को बाय करना चाहते हैं, तो वो वाले पर्टिकुलर बायर्स आपको वहाँ से कॉल बैक कर सकते हैं या फिर आपको एक लीड भी जो वहाँ से जनरेट हो सकती है। तो हम अपने जो लोकल न्यूज़पेपर है या फिर जो मैगजीन से वहाँ से भी एड्स रन कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड योर गूगल मैप बिजनेस प्रोफाइल। आपको एज अ बिजनेस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ओनर आपको एक रियल एस्टेट के लिए गूगल मैप बिजनेस की लिस्टिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जब लोकल जब कोई भी इंसान सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो जो कुछ भी गूगल के ऊपर रैंक होने वाली जो वेबसाइट होती है या फिर गूगल के जो बिजनेसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो बिजनेस वहाँ पे होगा, तो आपका बिजनेस वहाँ पे आपको जो आप कस्टमर होगा या फिर कोई बायर्स होगा तो वहाँ पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने आपने अपने बिजनेस के लिए और अपना लोकल बिजनेस गूगल मैप बिजनेस को सेटअप किया हुआ है। लेकिन मोस्ट ऑफली बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा वो सारे कुछ नहीं करते, तो आपको एक प्रो बेनिफिट होगा कि आप अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए एक गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग करो। उसके बाद लोकल कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। आपको कंटेंट क्रिएट करना है लोकल एरिया के लिए, जैसे कि मतलब कि दीव के अंदर बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट कौन सा है, दीव के अंदर फ्लैट कौन सी कंपनी बेचती है, या फिर दीव के अंदर कौन कौन से घूमने लायक स्थल मतलब कि कोई प्लेसेस है। तो जब आप लोकली एरिया के अंदर लोकली SEO रिलेटेड कंटेंट को प्रोड्यूस करेगी, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करेगी और आपको वहाँ से भी विजिबिलिटी मिलेगी और ऑथोरिटी भी आपकी बनेगी वहाँ से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकल स्पॉन्सरशिप। जैसे कि मोस्ट ऑफली जो बिजनेसेस होते हैं वो लोकल स्पॉन्सरशिप लेते हैं या फिर करवाते हैं, तो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है या फिर आप स्पॉन्सरशिप कर भी सकते हैं किसी भी इवेंट को, जैसे कि कोई डांस कॉम्पिटिशन हो गया, कोई सिंगिंग का हो गया, कोई भी ऐसा ऐसा कुछ हो गया, मतलब कि आपको स्पॉन्सरशिप करना है कि दिस इवेंट स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कंपनी, मतलब कि आपका ग्रुप हो गया, आपकी जो कुछ भी कंपनी हो गई, तो वो तो आपको वहाँ से भी अच्छी खासी लीड हो मिल सकती है और आपकी जो प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो बस लोकली बिजनेस के लिए हमने ये वाली मार्केटिंग आइडियाज़ आपको बताइए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपको कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो या फिर कमेंट में अपना थॉट्स को डाल सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।